अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद जवान करमवीर सिंह को पोरसा में श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकालकर उनका जयघोष किया एवं उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस महीने जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सिपाही करमवीर सिंह शहीद हो गए। पोरसा एबीवीपी नगर मंत्री आशीष शर्मा ने कहा कि हम उनके जैसा भाई पाकर धन्य हैं। वो अपने जन्मदिन के दो दिन पहले ही आतंकवादियों को मारकर शहीद हुए। करमवीर सिंह को पोरसा में देर रात तक श्रद्धांजलि देते हुए सैकड़ों एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने करमवीर सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि दो दिन पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के जवान करमवीर सिंह शहीद हो गए। इसके बाद शहीद करमवीर का पार्थिव शरीर सेना द्वारा विमान से पहले यूपी के प्रयागराज और फिर सड़क मार्ग से उनके पैतृक गाँव रामपुर बेहलम जिला सतना मध्य प्रदेश ले जाया गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पोरसा के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सेना को कश्मीर में खुली छूट दी जाए जिससे आतंकवाद का पूर्ण सफाया किया जा सके। कार्यकर्ताओं में आशीष शर्मा से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वीर जवान शहीद हो गए थे करमवीर सिंह जी, उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा है और एक जय घोष के साथ, भारत माता के वीर सपूत के नारों के साथ, जय घोष के साथ एक रैली निकाली युवाओं ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने, और हम इनकी शहादत को कभी भूलेंगे नहीं। और ये भारत माता के लिए शहादत दी है जो रक्षा करते हुए प्राण नौछावर करे हैं देश के ऊपर, ये युवा इनके इस क्या नाम है, कभी इनकी शहादत को भूलेगा नहीं। पोरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद जवान करमवीर सिंह को पोरसा में श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकालकर उनका जयघोष किया एवं उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस महीने जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सिपाही करमवीर सिंह शहीद हो गए। पोरसा एबीवीपी नगर मंत्री आशीष शर्मा ने कहा कि हम उनके जैसा भाई पाकर धन्य हैं। वो अपने जन्मदिन के दो दिन पहले ही आतंकवादियों को मारकर शहीद हुए। करमवीर सिंह को पोरसा में देर रात तक श्रद्धांजलि देते हुए सैकड़ों एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने करमवीर सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि दो दिन पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के जवान करमवीर सिंह शहीद हो गए। इसके बाद शहीद करमवीर का पार्थिव शरीर सेना द्वारा विमान से पहले यूपी के प्रयागराज और फिर सड़क मार्ग से उनके पैतृक गाँव रामपुर बेहलम जिला सतना मध्य प्रदेश ले जाया गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पोरसा के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सेना को कश्मीर में खुली छूट दी जाए जिससे आतंकवाद का पूर्ण सफाया किया जा सके। कार्यकर्ताओं में आशीष शर्मा से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वीर जवान शहीद हो गए थे करमवीर सिंह जी, उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा है और एक जय घोष के साथ, भारत माता के वीर सपूत के नारों के साथ, जय घोष के साथ एक रैली निकाली युवाओं ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने, और हम इनकी शहादत को कभी भूलेंगे नहीं। और ये भारत माता के लिए शहादत दी है जो रक्षा करते हुए प्राण नौछावर करे हैं देश के ऊपर, ये युवा इनके इस क्या नाम है, कभी इनकी शहादत को भूलेगा नहीं। पोरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट।